आज हम कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी के जो फंक्शन होते हैं वो रेगुलेटेड होते हैं हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से। इसमें इंक्लूड किया जाता है हाइपोथैलेमस, जस्टा ग्लोमेरुला एपरेटस और हार्ट। हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही बॉडी फ्लूड वॉल्यूम में चेंज आता है, ब्लड वॉल्यूम में और आयनिक कंसनट्रेशन में चेंज आता है, तो ऐसी कंडीशन में एक्टिवेट हो जाते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। अब मान लीजिए एक्सेस लॉस हो गया है फ्लूड का हमारी बॉडी के अंदर से, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, बॉडी फ्लूड वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो एक्टिवेट हो जाएंगे ऑस्मो रिसेप्टर्स और स्टिमुलेट कर देंगे हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रिलीज कराएगा ADH का और वेजोप्रेसिन का, किससे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी मतलब न्यूरोहाइपोफाइसिस से। अब ये ADH क्या करेगा, रीअब्सॉर्ब कर लेगा वाटर को DCT से और कलेक्टिंग ट्यूबल से, जिससे प्रिवेंट हो जाएगा डायूरेसिस और बॉडी फ्लूड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब जब बॉडी फ्लूड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो स्विच ऑफ हो जाएंगे ऑस्मो रिसेप्टर्स और रुक जाएगा ADH का रिलीज भी। इसके अलावा भी जो ADH होता है हमारे किडनी के फंक्शंस को अफेक्ट करता है। ये ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज हो जाएगा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी और देयर बाय GFR भी इंक्रीज हो जाएगा। आज हम कर रहे हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे RAS भी कहते हैं। जस्टा ग्लोमेरुला एपरेटस जो होता है कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल प्ले करता है हमारे किडनी के फंक्शन में। जब GFR डिक्रीज हो जाएगा या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में एक्टिवेट होती है जेजी सेल्स। जेजी सेल्स क्या करती है, रेनिन रिलीज करती है। रेनिन क्या करेगा, हमारे ब्लड में जो एंजियोटेंसिनोजन है उसे कन्वर्ट करता है रेनिन एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 फर्दर कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 के दो वर्क है। पहला, ये पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रक्टर की तरह काम करता है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, देयर बाय GFR भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एक्टिवेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को। एड्रिनल कॉर्टेक्स अब रिलीज करेगा एल्डोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन के कारण क्या होगा, रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा सोडियम आयन का और वाटर का DCT और कलेक्टिंग ट्यूबल से, जिसकी वजह से BP इंक्रीज हो जाएगा और GFR भी इंक्रीज हो जाएगा। इसी मैकेनिज्म को हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा टू हार्ट, तो जो वॉल्स होंगी एट्रिया की वो रिलीज करेंगी ANF, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्या करेगा, इसके कारण वेजोडाइलेशन होगा, डाइलेशन हो जाएगी ब्लड वेसल्स में और BP डिक्रीज हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं ANF मैकेनिज्म। जो ANF मैकेनिज्म होता है एक्ट करता है एज अ चेक ऑन टू रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म।